कि ये डरा हुआ है, निकालने से भी निकलना नहीं चाह रहा है। तो ये निकलने से भी डर से नहीं निकल रहा है, तो इसका जो भ्रम है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का नामकरण कर दिए हैं लोग, और अजगर का बच्चा भी समझ लेते हैं ये सब भ्रांति का। थोड़ा जूम करके इसको लीजिए, जूम जूम। तो इस सांप को आप लोग भली भांति पहचानिए और अजगर का बच्चा ना समझें, और जहरीला जरूर है लेकिन बिना पैर रखे ये न काट ही नहीं सकता है, या बिना इसके साथ छेड़खानी किए। देखिए इसको हम अब रिलीज कर रहे हैं, कैसे ये लोग धीरे धीरे ये नए जगह का अपना जायजा लेगा और उसके बाद जाना शुरू करेगा। देखिए जीप से सिग्नल लेते हुए और ये अब जाएंगे। देखिए इन्होंने शुरू कर दिया जाना, और रसल वेपर का अभी मीटिंग सीजन चल रहा है, और अभी दिसंबर जनवरी तक चलेगा, जनवरी लास्ट मैंने फर्स्ट फरवरी तक। तो इस सांप को अजगर ना समझे, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन समझ के वो ज़्यादा डरने वाली नहीं है। रात अंधेरे को देख के चले, देखिए ये कैसे चला गया, चला गया। ये किस तरह से हम लोग से छुपते हैं और कैसे हम लोग से भाई खाते हैं। चला गया, चला गया ना। ये गए आगे, घना जंगल है वहाँ, अपना ये एडजस्ट कराएंगे। और हम लोग के पास यही जंगल बचा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ छोड़ते हैं जहाँ इनके लायक सूटेबल जगह है। और घटता जमीन जंगल के कारण ये समस्या और बढ़ रही है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आबादी बढ़ रही है, तो ज़मीन कम होगा, लेकिन फिर भी जितना बचा है उतना में काफ़ी है। अगर उसको हम लोग पर्यावरण में पेड़ लगाए वगैरह लगाएँ तो काफ़ी इनके लायक माहौल हो सकता है, और उसके दूसरे फायदे भी हैं वृक्ष लगाने का। तो धन्यवाद, सांप मत ना मारें, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, और आज जो विशेष दिन है मतदान का, उसका आप लोग प्रयोग ज़रूर करें। 5 बजे तक टाइम है, तो आप लोग पूर्व में ही जाके वोट अपना ज़रूर दें। धन्यवाद।